नमस्कार, लाइव 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं पवन पांडे। मेरठ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेरठ कमिश्नरी पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में छात्रों और शिक्षकों पर हुए हिंसक हमले को लेकर मंडलायुक्त को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कार्यकर्ताओं ने कहा कि भारत सरकार के अधीन पुलिस भारत की राजधानी में ही हमलावरों को रोक पाने में समर्थ नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि दो गुट संघर्ष करेंगे तो क्या पुलिस उन्हें आपस में निपट लेने की छूट दे देगी। देश की डेमोक्रेसी को बूस्ट अप करने के लिए आवाज उठती रही। आज बहुत ही बेशर्मी के साथ गर्ल्स हॉस्टल में जाकर के और दूसरे पूरे कैंपस में जाकर के जो हुड़दंग मचाया है और आतंक मचाया है वो किसी सोची समझी ताकत का हाथ है और जेएनयू की आवाज को दबाने का काम है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने इसको पूरी तरह से कंडेम किया है और जो गुनहगार हैं उनके खिलाफ न्यायिक जांच करा करके, किसी सिटिंग जज से न्याय जांच करा करके और इन लोगों को सजा दी। यूपी के उन्नाव में अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद का 114वां जयंती समारोह बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। ये समारोह 3 दिन तक चलेगा। समारोह में विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित, कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना, प्रभारी मंत्री कमल रानी वरुण और सांसद साक्षी महाराज ने शिरकत की। विधानसभा अध्यक्ष, सांसद और मंत्री ने चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि बदरका में आजाद के नाम पर स्कूल खोला जाना चाहिए, तो वहीं चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने बताया कि शहीद चंद्रशेखर आजाद देश की आजादी के नायक और महापुरुष थे। इस दौरान मंत्री जी ने वर्तमान में चल रहे विवादास्पद मुद्दे नागरिकता संशोधन कानून पर बोलते हुए कहा कि इस कानून से देश के नागरिकों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। इस कानून से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यकों को लाभ मिलेगा जो नागरिकता के लिए भटक रहे हैं। क्या लगता है कि प्रचार और प्रसार में क्या कमी रहेगी? देखिए, क्योंकि झूठ के पैर नहीं होते, ये पानी के बुलबुले की तरह उठेगा समाप्त, क्योंकि इसमें सच्चाई नहीं। जिस आर्टिकल 14 के उल्लंघन की बात करते हैं वो आर्टिकल 14 लागू नहीं होता। समान परिस्थिति में समान व्यवहार किया जाता है। हमने समान परिस्थिति में समान व्यवहार सबके साथ किया। जो लोग वहाँ उत्पीड़ित थे, सताए गए थे, उन लोगों को यहाँ लाना, और जो लोग वहाँ अल्पसंख्यक थे, मुस्लिम वहाँ बहुसंख्यक थे, मुस्लिम वहाँ सताया नहीं गया, इसलिए यह केवल उन लोगों के लिए कानून बना कि जो लोग वास्तव में उत्पीड़ित किए गए थे, जो सताए गए थे और जो अल्पसंख्यक थे। यूपी के उन्नाव में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में लोक जागरण मंच के नेतृत्व में संघ कार्यालय से RDS पब्लिक स्कूल तक पैदल मार्च निकाला गया, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ताओं सहित सभी जाति, धर्म व समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया और नागरिकता संशोधन कानून का पुरजोर समर्थन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि वो किसी के बहकावे में ना आए और मोदी सरकार पर यकीन बनाए रखें। इस मौके पर क्षेत्रीय मंत्री अवध प्रांत ज्ञानेंद्र कुमार सिंह सहित कई आला अधिकारी मौजूद रहे। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व सांसद R.K. करीले अपने परिवार के साथ कुशीनगर पहुंचे। इस दौरान उनका जोरदार स्वागत व अभिनंदन किया गया। मौके पर विधायक रजनीकांत मणि त्रिपाठी, BJP मंडल अध्यक्ष अनिल प्रताप राव, ओम प्रकाश जायसवाल के साथ कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। दिल्ली में मानव के संघर्ष और जीवटता की एक झलक देखने को मिली। प्रगति मैदान में आयोजित एक बुक लॉन्च इवेंट में एक ऐसी किताब का विमोचन हुआ जो मात्र 2 उंगलियों से मोबाइल फोन पर लिखी गई है। इस इवेंट में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पहुंचे। उन्होंने इस किताब के लेखक मोहित चौहान का हौसला बढ़ाया। बता दें, मोहित के शरीर का कोई भी अंग काम नहीं करता है, इसके बावजूद मोहित ने अपनी 2 उंगलियों का इस्तेमाल कर मोबाइल में ही एक किताब लिख डाली।
उनकी पहली किताब का लोकार्पण तमाम साहित्यकारों और मोहित के परिजनों के बीच हुआ। मोहित के माता पिता ने बताया कि डॉक्टरों ने बचपन में ही कह दिया था कि मोहित की उम्र 12 साल से ज़्यादा नहीं है, लेकिन मोहित और उनकी माँ ने हिम्मत नहीं हारी। आज मोहित 32 साल के हो गए हैं। खबर उत्तर प्रदेश के जिला कासगंज की है, जहां पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस कप्तान सुशील खुले के निर्देश पर पुलिस ने 3 वाहन चोरों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी की हुई गाड़ियों के साथ साथ अवैध असलहे भी बरामद किए हैं। पुलिस मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वाहन चेकिंग की जा रही थी, उसी समय एक आयसर कैंटर कुछ चेकिंग के लिए रोका गया, उससे पूछताछ की गई तो कुछ संदिग्धता प्रकट हुई। उसी समय 2 मोटरसाइकिल सवार, जिसमें एक मोटरसाइकिल बजाज प्लेटिनम बिना नंबर की थी, दूसरी मोटरसाइकिल बजाज पल्सर थी, वो भी बिना नंबर की थी, उन्हें भी रोक लिया गया। उनके पास से एक तमंचा 315 बोर, 2 कारतूस तथा दूसरे व्यक्ति के पास से एक तमंचा 12 बोर, 2 कारतूस बरामद किए गए। कन्नौज जिले के 2 अलग अलग क्षेत्रों में हुए सड़क हादसों में कई लोगों की जान चली गई। तिरवा क्षेत्र के लीलुया में एक तेज रफ्तार डंपर ने साइकिल सवार एक बुजुर्ग को रौंद दिया, जिससे बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद ग्रामीणों ने जमकर हंगामा काटा और करीब 2 घंटे सड़क जाम कर मुआवजे की मांग की। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। वहीं दूसरा हादसा छिबरामऊ क्षेत्र में हुआ, जहां एक अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। हमारी ड्यूटी पर तो इमरजेंसी में डॉक्टर अजय कुमार हैं, और हम अभी अपने मरीजों का राउंड लेने आए तो ज्ञात हुआ है कि पुलिस एक्सीडेंटल केस लेके आई है, जिसमें 2 युवक घायल हुए। राम सिंह, जिसकी उम्र लगभग 30 साल, और एक सुनील है, जिसकी उम्र है लगभग 32-34 साल, दोनों ग्राम डडोली थाना शौरिक के रहने वाले हैं। और इसमें से सुनील नाम का जो व्यक्ति है वो एक्सपायर कर चुका है एग्जामिनेशन के बाद, उसे मार्चुरी में रखवा दिया गया है। और राम सिंह की भी काफ़ी इंजर्ड है, उसे रिफर किया जा रहा है मेडिकल कॉलेज। यूपी की राजधानी लखनऊ में नशाखोरी का विरोध कर रहे एक अधिवक्ता की हत्या का मामला सामने आया है। कृष्णानगर थाना क्षेत्र के दामोदर नगर इलाके में अधिवक्ता शिशिर त्रिपाठी की देर रात 5 आरोपियों ने पीट पीट कर हत्या कर दी। अधिवक्ता पर ईंट पत्थर और डंडों से वार किया गया। पुलिस ने एक आरोपी अधिवक्ता विनायक ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया है। 4 आरोपी अब भी फरार हैं। हत्या का कारण पुरानी रंजिश बताई जा रही है। मृतक अधिवक्ता के पिता ने गांजा तस्करों पर हत्या का आरोप लगाया है। मृतक के पिता का कहना है कि इलाके में हो रही गांजा तस्करी का शिशिर विरोध करता था। फिलहाल पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुट गई है। कल रात लगभग 11:30 बजे शिशिर त्रिपाठी नाम के व्यक्ति दामोदर नगर थाना उनकी हत्या कर दी गई। ये पेशे से अधिवक्ता हैं और इनकी तहरीर पर FIR पंजीकृत हुई थी 5 लोगों के खिलाफ, और हमारी टीमों ने लगभग 45 लोकेशंस पे हम लोगों ने रात भर रेड किया है। एक अभियुक्त हम लोगों ने अभी अरेस्ट कर लिया है, मेन अभियुक्त है, और बाकी के 4 अभियुक्त जो बचे हैं अभी हमारी टीमें लगातार लगी हुई हैं, और हम लोग शाम तक अभी उनमें से भी मिलावटखोर इतने सक्रिय हो गए हैं कि ब्रांडेड कंपनी के नाम से नकली तेल को बाजार में सप्लाई कर रहे हैं। ताजा मामला यूपी के ललितपुर का है, जहां पर 7 लाख रुपए के नकली तेल की शीशियां एक घर से बरामद हुई हैं। मामला पाली क्षेत्र का है, जहां पर बड़े पैमाने पर तेल की कालाबाजारी देखने को मिली। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छापा मारकर घर में रखे नकली तेल की शीशियां और नकली रैपर बरामद किए और आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
लखीमपुर के थाना मोहम्मदी क्षेत्र के बाजार में सर्राफा व्यापारी की दिन दहाड़े हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले एक युवक ने दिन दहाड़े सर्राफा व्यापारी को मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस उपाधीक्षक ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि युवक की हत्या अवैध संबंधों को लेकर की गई थी और हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका ही एक दोस्त निकला। दिनांक 5 तारीख को मोहल्ला बाजार में जो शासन दस्तोरी की हत्या हुई थी उसमें नामजद अजीत वैभव शुक्ला को कल शाम 6:30 बजे गोलकी मोड़ से गिरफ्तार किया गया है और उसको उसके पास से एक तमंचा बरामद हत्या में प्रयुक्त हुआ था और पूछे तो उसने कारण बताया कि दिनांक 1 तारीख से आपस में गाली गलौज हो रहा था जो पिताजी को इसी आदेश में आकर के उत्तेजना स्वरूप जो है तत्कालिक उत्तेजना में उसने उसको बोली। यूपी के लखीमपुर खीरी में एक चौकी प्रभारी ने अदम्य साहस दिखाते हुए बाघ से एक महिला और उसके बच्चों की जान बचा ली। आपको बता दें कि गांव साहबगंज में बीती रात रेहरिया चौकी प्रभारी मनीष कुमार पाठक गश्त पर थे। इसी दौरान उनको शिकार की तलाश में निकला एक बाघ दिखाई पड़ा। सामने ही एक झोपड़ी थी जिसमें एक महिला व उसके बच्चे सो रहे थे और महिला के पालतू पशु भी बाहर बंधे हुए थे। ये देखकर चौकी प्रभारी ने शोर मचाते हुए महिला और उसके बच्चों को जगाकर घर के अंदर किया, साथ ही पालतू पशु भी घर के अंदर कराए। इस दौरान चौकी प्रभारी का एक साथी बाघ के मुंह पर टार्च फोकस करता रहा जिससे बाघ चहलकदमी करते हुए दोबारा जंगल की ओर चला गया। रायबरेली के बछराबा में दयानंद स्पोर्ट्स ग्राउंड पर सद्भावना कप त्रिकोणीय क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है। टूर्नामेंट में बीनू माकड़ क्रिकेट प्रतियोगिता अंडर 14 में खेल चुके 10 वर्षीय अमरचंद निषाद खेलने आए। अमरचंद निषाद बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज हैं। इनका खेल देखते ही बनता है। सुविधाओं से परे ये खिलाड़ी देश के लिए खेलना चाहता है। देखिए लाइव 24 संवाददाता दीपचंद मिश्रा की खास बातचीत। आप देख रहे हैं लाइव 24, मैं हूँ दीपचंद मिश्रा। मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ ऐसी शख्सियत से जो वाकई में क्रिकेट के नाम से पहचानी जा रही है। अगर देखा जाए तो हमारे भारत देश में क्रिकेट को एक आस्था के रूप में देखा जाता है, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो या विराट कोहली। जो भी नामचीन हुए हैं वो सब क्रिकेट की वजह से ही हुए हैं। इसी श्रृंखला में एक 10 वर्षीय बच्चा जो कि वाकई में इतना जुनून, इतना जज्बा देखने लायक बनता है। मैं आपको रूबरू कराता हूँ उस बच्चे से जिसके अंदर वाकई में क्रिकेट इतनी बड़ी भरी पड़ी है कि शायद आगे चलकर भविष्य का सचिन या विराट बन सकता है। आइए, क्या नाम है बेटा? अमरचंद निशान। अमरचंद निशान, कहाँ रहते हैं भाई? सेमरी। ये बताइए आपके अंदर ये कैसे आया, कैसी फीलिंग्स आई मुझे क्रिकेट खेलना है? मैं गली अपने गांव में खेल रहा था तो पापा ने मेरी क्रिकेट देखी, उसके बाद पता किया कि मतलब कोचिंग को लेकर। कौन आपको लेके आया, आपके कोच का क्या नाम है? आपको लेके आया समीम सर। समीम सर लेके, समीम सर आपके कोच हैं? हाँ। अच्छा, तो इसके पहले बेटा कहाँ कहाँ खेलते थे? क्या प्लास्टिक बॉल से खेलते थे, रबर बॉल से खेलते थे, कैनवास, क्या खेलते थे आप? अभी आपने देखा, मैंने परसों आपने गेम खेला उसमें आपने 56 रन बनाए, तो ये इतना ज़्यादा आपके अंदर एबिलिटी कहाँ से आई? कि आपके घर में कोई खेलता था या आपके पापा ने कुछ बताया या किसी और ने कुछ कहा? किसको आप अपना आदर्श मानते हैं? मेरा आदर्श सिर्फ समीर सर। किस क्लास में पढ़ते बेटे? 6 में। कहाँ पढ़ते हैं? संत इंटर कॉलेज जी, बछावा के पास। ठीक बेटा, थैंक यू। देखा आपने, मैंने आपको उस प्लेयर से बात कराई जो कि वाकई में अच्छा खासा बैट्समैन भविष्य का बनेगा, और ये आप उनके पिता हैं जो कि वाकई में बच्चे को पूरी आज़ादी दे रहे हैं कि आप खेलिए और देश का भविष्य बनिए। अब इस बच्चे के कोच से बात करता हूँ जो कि वाकई में अपना 100% इस बच्चे के पीछे लगा रहे हैं ताकि हमारे भारत देश का एक रत्न बाहर निकल के आए। बात करता हूँ कोच से। क्या नाम है? शमीम खान। शमीम खान जी, कहाँ रहते हैं आप? मैं सुल्तानपुर सिमरी बाजार का रहने वाला। तो सर, सुल्तानपुर से सिमरी आना या इस बच्चे से मिलना, ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? एक्चुअली मेरा गांव है सिमरी बाजार जी, तो मैं वहीं पे रहता हूँ। तो ये कुछ लड़के हैं, मुझको बताया, एक लड़का है वो लेफ्ट आर्म है और अच्छी बॉलिंग करता है जी, तो हमने ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया। एक दिन ऐसे जाते ही रास्ते में हमने देखा ये क्रिकेट खेलना होता है। प्राइमरी स्कूल में ये पढ़ता था, और उसी प्राइमरी स्कूल में एक जो
डंडे जैसा एक बैट था इसके पास में, तो उससे ये बैटिंग कर रहा था, बहुत अच्छे अच्छे शॉट लगाया। फिर जो है हमने जो है इसको देखा, फिर वहाँ से इसको उठाए, हमने अपने घर पे कुछ नेट्स लगाए हुए हैं, वहाँ पर इसको बुलाया, इसने अच्छा वहाँ पे किया, फिर इसको कोचिंग देने लगे। फिर ये जब थोड़ा सा ठीक हुआ, उसके बाद में फिर एक प्लेटफॉर्म चाहिए लखनऊ में खेलने के लिए और बड़ा कुछ करने के लिए, तो एक बड़ा प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी, जिसमें आपके सिद्धार्थ द्विवेदी जी जो क्रिकेटर हैं यहाँ पे, जैसा कि आप जानते हैं सद्भावना कप करा का ऑर्गेनाइजेशन करा रहे हैं। कहाँ से आपको लगा कि इस बच्चे के अंदर वाकई में प्रतिभा? एक्चुअली मैं भी एक क्रिकेटर रहा हूँ और मैं मीडियम पेसर बॉलर रहा हूँ। 2009 से मैं यूनिवर्सिटी खेला था KNI से, सुल्तानपुर से, तो मैं भी एक बॉलर था, तो मुझे बॉलर को देख करके बहुत अच्छा लगता था। तो मैं इनको देखा, इन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, तो हमने सोचा कि इस बच्चे के अंदर है, और वाकई में गॉड गिफ्टेड है इनके अंदर, ये गॉड से लेकर के आए हैं। फील्डिंग ले लो, बैटिंग ले लो, बॉलिंग ले लो, जाने कहाँ से इनके पास में सुपर पावर जैसी भरी हुई है, वाकई में काबिल तारीफ। और ये सद्भावना कप के दोनों एम्पायर से, पहले एम्पायर है मोहम्मद शकील मंसूरी, दूसरे एम्पायर है अभिषेक शुक्ला, इन एम्पायरों से बात करता हूँ, जो कि वाकई में अमरचंद को खेलते हुए देखा है और रूबरू खेलते हुए देखा है, बॉल बाई बॉल खेलते हुए देखा है, आउट होते हुए भी देखा है। मैं बात करता हूँ, सुन रहा हूँ अभिषेक शुक्ला जी, अमरचंद जैसे नौनिहाल बच्चे के बारे में क्या कहना है? जब ये बैटिंग पे आया तो इस उम्र के बच्चे ज़्यादातर सीजन बॉल से नहीं खेलते हैं, हालांकि एकेडमी क्रिकेट में और छोटे बच्चे भी नहीं। जी, तो जब ये सेंटर पे आया और इसके सामने स्ट्राइक बॉलर्स थे, तो मैंने थोड़ा सा बॉलर को भी बोला कि इसको थोड़ा धीमा बॉल डालना, बच्चा छोटा है। जी, लेकिन इसको जब इसने पहला ही ओवर खेला, इसके खेलने का अंदाज था, ये 50 मारने तक खेलता चला गया और एक भी नॉन क्रिकेटिंग शॉट इसने नहीं खेला। इसने स्ट्राइक बॉलर्स को खेला, स्पिनर्स को खेला, इसने टैप्स खेले, ड्राइव्स खेले, हुक खेले, पुल खेले, कट खेले, सभी, ये इसके पास जितने भी शॉट थे सब इसने उस दिन खेले। कहीं से आपको ऐसा नहीं लगा कि छोटा बच्चा है, चोट खा जाएगा? ये मुझे लगा था, क्योंकि उसका साइज़ देख के किसको भी लगेगा, वो सिर्फ 10 साल का है और वो जो अंडर 19 सेलेक्टेड प्लेयर्स हैं वो इसमें खेल रहे हैं, जो यूपी टीम में उनके साथ खेल रहा था और इतने बड़ी स्ट्रेटेजी के अंडर में खेल रहा था, लेकिन इसके अंदर जरा भी दबाव नहीं था और उसका स्कोर ही जस्टिफाई कर रहा है कि वो बहुत बड़ा प्लेयर बन गया। जी भाई साहब, शकील भाई बताइए इस बच्चे के बारे में, इस बच्चे के अंदर आपने क्या देखा, क्या आगे का प्लेयर है, लंबी लेंस का घोड़ा है? डेफिनेट आपकी बात से मैं सहमत हूँ। जब इसको मैंने देखा फर्स्ट टाइम, मैं पहले भी सद्भावना कप एम्पायरिंग कर चुका हूँ, देख रहा था, ये फर्स्ट टाइम इसको मैंने इसको देखा, ये वन डाउन आया, तो मुझे लगा एक बार के कि ये इस टीम को क्या हो गया कि या इसके पास प्लेयर नहीं है या कुछ है, ये इतने छोटे से बच्चे को, 10 साल के बच्चे को भेज रही है। आपको कैसा लगा? बस मुझे ये मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे, ये जैसे ही क्रीज पे आया और पहली गेंद से इसने जो दिखाया है काफी कुछ स्टाइल, जो क्रिकेट होता है, हम लोग बहुत दिन से मिस कर रहे थे क्रिकेट होता है, इसने गेम के हर एक शॉट बेहतरीन तरीके से, और सबसे बड़ी चीज़ है बिना झिझक के, और जितना भी पेस गेंदबाज रहा हूँ उसको बिना डरे बेहतरीन तरीके से खेला है, और शॉट जो क्रिकेट के शॉट होते हैं, और इसने पहले ही मैच में अपने 50 मारी, और सबसे बड़ी चीज़ खूबसूरती ये रही कि इतना बेहतरीन ये रिस्ट प्लेयर है, इसने कलाइयों के सहारे से जो छक्के मारे हैं यहाँ पर इस उम्र में, आप देख सकते हैं कि कलाइयाँ भी ताकत नहीं रहती है सब कुछ, लेकिन इतने के लिए क्या भविष्य इसका उज्ज्वल है, और भविष्य की मेरी शुभकामना है कि हम लोग जिस तरह से आजकल IPL भी हो गया है, सब कुछ शुरू हो गया है, इसको बहुत ऊँचा देखना चाहते हैं, और इंशाल्लाह ये जाएगा भी, मेरी शुभकामना है। राम केदार जी, ये आपका जो बेटा है अमरचंद, ये क्रिकेट खेल रहा है, इसमें आपका क्या योगदान है और आपको कैसा लगता है? हमारा योगदान कुछ नहीं है जी, हमारे शमीम भाई जो हैं जी, इसके पूरा मुख्य अतिथि हैं जी, हम क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं जानते। क्या भविष्य में आपका बच्चा अगर कहीं बाहर खेलना चाहता है तो क्या आप उसको जाने देंगे? हाँ, हम तो यही समझ के जी शमीम भाई को दे दिए हैं जी, जी कि वो जा सकता है जी, जहाँ मर्जी उसको ले जा सकता जी। आपको कैसा लगता है कि वाकई में क्या बच्चा आपका आगे बढ़ेगा, आपका आशीर्वाद? यही तो सोच के जी हमने उसको जी उस, कितने बच्चे हैं आपके? हमारे पास 3 लड़के। ये बेटा छोटा है बड़ा? सबसे छोटा। क्या करते हैं आप? हम खेती करते हैं। खेती करते हैं, कौन सा गांव है आपका? हमारा गांव है बाहरपुर बधवा। कौन सा जिला पड़ता है आपका? सुल्तानपुर पड़ता है। सुल्तानपुर पड़ता है।
नहीं बनते विराट कोहली, यूं ही नहीं बनते सचिन तेंदुलकर, यूं ही नहीं होते हैं दिलीप वेंगसरकर, यूं ही नहीं बनते हैं सुनील गावस्कर। ऐसे ही बच्चे गांव से, गलियों से, ब्लॉक से, तहसील से, जनपद से निकल करके आगे देश का नाम रोशन करते हैं और अपने घर का भी नाम रोशन करते हैं। कैमरा पर्सन दिवाकर के साथ रायबरेली। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खास खबरों के लिए देखते रहिए लाइव 24। नमस्कार।